हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला काजू, जो हमारी होली रेसिपीज की दूसरी डिश है। और होली पे हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, तो उसके बाद चटपटा खाने का मन करता है। अगर ये आप काजू सर्व करेंगे तो सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए बनाते हैं मसाला काजू। बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी मैदा। आप कोई भी कटोरी ले सकते हैं जो आपके पास हो, आपके घर में अवेलेबल हो। और 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, और उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी रिफाइंड ऑयल लिया है, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला और गुनगुना पानी। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें अपना मैदा ऐड करेंगे। अजवाइन ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे और ऑयल ऐड करेंगे। अब हम सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मसल मसल कर हमें तेल को मैदे में ऐड करना है। इस तरीके से आप ऐसे ऐसे करके मसलते रहें। देखिए, इस तरीके से आपको मसलना है। चाहे तो आप दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सारा तेल मैदे में मिक्स हो जाएगा तो हमारे जो मैदे का कलर है वो लाइट येलो हो जाएगा, क्रीम कलर का। इस तरीके से आप चाहे तो दोनों हाथ का इस्तेमाल करें, चाहे एक हाथ से कभी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मसल मसल कर पूरे मैदे को तेल के साथ मिक्स कर लें। पानी ऐड करेंगे और एक टाइट आटा गूंदेंगे। ज्यादा पानी ना डालें, एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालें, नहीं तो हमारा आटा गीला हो जाएगा, क्योंकि हमें एक टाइट डो बनाना है। ये देखिए, हमने आटे को गूंद लिया है, बिल्कुल मसल मसल के इसे बिल्कुल चिकना होने तक गूंदना है। और अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। पेड़े हमें थोड़े बड़े बड़े लेने होते हैं। देखिए, करीब इस साइज के लेंगे और पूरे चकले के बराबर इसे बेल लेंगे। ये देखिए, हमने इस साइज का डो लिया है। अब इसे बेलन की सहायता से पूरे चकले के बराबर बेल लेंगे। देखिए, हमने इसे चकले के बराबर बेल लिया है। अब किसी भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन लेंगे या किसी बॉटल का ढक्कन लेंगे और इससे अपने काजू कट करने शुरू करेंगे। ये देखिए, ये सबसे पहला पीस हमने काटा है, इसे हटा लेंगे। और इसके बाद हमें हाफ हाफ सर्कल लेने, पूरा नहीं लेना। और इस तरीके से हम देखिए, हमारे काजू ऐसे रेडी हो जाएंगे, ऐसे काट के चले जाएंगे। हाफ हाफ कट करते जाइए।
तरीके से हमें पूरे सारे काजू कट करने हैं। देखिए इसी तरीके से हम अपने सारे काजू कट करते जाएंगे। काजू कट कर लिए हैं और जो हमारा बचा हुआ आटा है इसको फिर से हम दूसरे आटे में मिला के और फिर से लोई बना के इसके भी काजू कट कर लेंगे और इसी तरीके से सारे काजू तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने अपने सारे काजू काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। अब हम गैस ऑन कर लेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखकर उसमें ऑयल डाल लेंगे फ्राइंग करने के लिए और तेल को बिल्कुल तेज गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा तेज गर्म हो चुका है, अब हम गैस को मीडियम पे कर देंगे और इसमें अपने काजू डालेंगे। अलग अलग करके डालेंगे नहीं तो ये चिपक जाएंगे। सारे एक साथ ना तले, थोड़े थोड़े करके तले। देखिए हमारे काजू साइज में डबल हो गए हैं और हमें इसे मीडियम आंच पे धीमे धीमे तलना है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए, बाजार की तरह खस्ता हो जाए। तो इन्हें धीरे धीरे धीमी आंच पे तलेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारे काजू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी इन्हें हम निकाल लेंगे पीसने पर भी। और जैसे ही हम काजू बाहर निकालेंगे उस पे हम चाट मसाला डाल देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इन्हें। अगर ये ठंडे हो गए तो फिर चाट मसाला इन पर चिपकेगा नहीं, इसलिए हमें इन्हें गरम गरम पे ही डालना है। ऐसे मिक्स कर देंगे चाट मसाला डाल के। ध्यान रहे हाँ ये गरम है और किसी चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच भी ले सकते हैं। इसे हल्के हाथ से इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, कुछ चाट मसाला अच्छे तरीके से कोट हो जाए इस पे। आप इन्हें चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारे काजू को चाट मसाला से कोट कर दें और हमारी काजू रेडी हो गए हैं। काजू को ठंडा कर लिया है और ये देखिए हमारे काजू बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर और मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।